बिलाईगढ़ में सर्व आदिवासी समाज ने विश्व आदिवासी दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर थाना मैदान से लेकर तहसील कार्यालय तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं कार्यक्रम में कटगे स्टेट के महाराजा ओमकारेश्वर शरण सिंह और रायगढ़ के राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह और सरायपाली फूलझर स्टेट के राजा देवेंद्र बहादुर सिंह बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान समाज के बच्चों और बड़े बुजुर्गों द्वारा सांस्कृतिक गीत संगीत पर रंगारंग प्रस्तुति दी गई। समाज के लोगों ने आगे बताया कि समाज को इस मंच के माध्यम से एकजुट होने का मौका मिलता है, इसलिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में समाज के उन होनहार बच्चों और अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया जो शासकीय उच्च पद पर रहकर सर्व समाज की सेवा कर रहे हैं। अभी जो डांस कर रहे थे आजा एक कोई हमारे सर्व आदिवासी समाज द्वारा कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था, इसमें आने का सौभाग्य मिला और बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम। समाज को क्या संदेश देना चाहिए? समाज को हमने यही संदेश दिया कि समाज का अगर उत्थान करना है तो समाज को शिक्षा के प्रति ध्यान देना चाहिए, रोजगार के लिए प्रयास करना चाहिए, महिलाओं का उत्थान होना चाहिए और साथ साथ कृषि के अलावा व्यवसाय में भी हमारे समाज को आगे आना चाहिए। हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है और उसको हम एकजुट करना चाह रहे हैं और लग रहा है कि हम एकजुट हो रहे हैं। आने वाला समय में हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ें, समाज में संदेश है हमारा और सब से प्रार्थना करते हैं, हम बार बार निवेदन करते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ और नशा मुक्त समाज हो, यही हमारी अपेक्षा है और हम चाहते हैं कि हमेशा ये हमारा समाज एकजुट होकर मजबूत रहे और अपने आवाज़ बुलंद करें।